नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडी टीवी भारत और मैं हूं आपके साथ इंदू राठौड़। शेविंग अथवा हेयर कटिंग के दौरान आपने कभी न कभी ब्लेड जरूर देखा होगा। मार्केट में ऐसी कई कंपनियां हैं जो ब्लेड बनाती है, लेकिन इन सब के बीच एक खास बात यह है कि ब्लेड के बीच का डिजाइन सब में एक जैसा होता है। आखिर हर कंपनी के ब्लेड के बीच के डिजाइन एक जैसे होने की वजह क्या है, चलिए आपको बताते हैं। साल 1901 में जिलेट कंपनी के संस्थापक किंग कैम जिलेट ने अपने सहयोगी विलायम निकर्सन के साथ मिलकर ब्लेड का डिजाइन किया था। इसी साल उन्होंने इस डिजाइन का पेटेंट भी करा लिया और 1904 में ब्लेड का उत्पादन शुरू कर दिया गया। शुरुआत में जिलेट ही एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो ब्लेड और रेजर का निर्माण करती थी। उस वक्त बोल्ट के जरिए रेजर में ब्लेड फिट किया जाता था, इसीलिए ब्लेड के बीच में खास तरह का डिजाइन बनाया गया। जिलेट कंपनी का ब्लेड का कारोबार आगे बढ़ा तो मार्केट में दूसरी कंपनियां आई और उन्होंने पुराने डिजाइन को ही कॉपी किया। दरअसल उस वक्त जिलेट ही एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो रेजर बनाती थी। कंपनियां अगर नया डिजाइन बनाती तो वो रेजर में फिट नहीं बैठता, इसलिए जो डिजाइन किंग कैम्प ने बनाया था उसे ही आगे फॉलो किया जा रहा है और आज भी सभी कंपनियों के ब्लेड के बीच का डिजाइन एक जैसा ही है। किंग कैम्प को ब्लेड बनाने का आइडिया कहाँ से आया, इसके पीछे की वजह भी बड़ी दिलचस्प है। 1819 के दौरान किंग कैम्प ढक्कन बनाने वाली कंपनी में काम किया करते थे। यहाँ उन्होंने देखा कि बोतल के इस्तेमाल के बाद लोग ढक्कन फेंक देते हैं, लेकिन इस पर इतनी बड़ी कंपनी चल रही है, उनके दिमाग में भी एक यूज एंड थ्रो चीज बनाने का आइडिया आया। उस दौर में उस तरह काफी खतरनाक होते थे और उनसे शेविंग में काफी वक्त लगता था। किंग कैम्प ने उस तरह का विकल्प तलाशने की सोची और 1901 में ब्लेड का डिजाइन बनाकर उसे पेटेंट करवा लिया। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और देखते रहें वीडी टीवी भारत।